शोकद घटना है और देश पूरा देश ही उन मृतक के साथ उनके परिवार के साथ खड़ा है। मुंबई ने भी ऐसा पीछे के दिनों में ऐसा हमला झेला है, चाहे वो बम अटैक हो, ट्रेन पे हमला हो, इसमें भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बट मुंबई का स्पिरिट है कि इस घटना के बाद दूसरे ही दिन मुंबई अपनी पेस से आगे बढ़ती है। ये घटना बहुत दुखद है, पूरा देश उन मृतक के फैमिली के साथ खड़ा है और एक यही मैसेज है, मैं समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो एक दिव्यांग वर्ग है मैं उसको बिलोंग करता हूँ और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देश का सबसे कमजोर वर्ग भी इस समय देश के इस सिचुएशन में मृतक के साथ खड़ा है और सारे जो लोग हैं उसके साथ खड़ा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो हो चुका है वो वापस ठीक नहीं हो सकता है, बट आपको अपने पेस से अपने जीवन को आगे जीना पड़ेगा। और इस समय में मैं सारे राजनीतिक पार्टी से यही आह्वान करूँगा कि आप राजनीति छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप से किसी की जीवन वापस नहीं आएगी, बट इस चीज़ में आप उनको सहायता कीजिए, उनके परिवार को ढाढ़स भराइए, ना कि आप राजनीति कीजिए। और मुंबई बस एक नए जोश के साथ आगे जीवन बढ़ने का मैसेज देने का संकल्प के लिए ये ट्रिब्यूट रखा गया था और हम सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो इस समय मृतक के फैमिली और मृतक के साथ हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसके लिए यहाँ पे एक प्रेयर रखा गया था। जैसे कि नन्ही गुंज विकास फाउंडेशन हमेशा कोई भी कारण हो, कोई भी हो, सोशल वर्क के लिए हमेशा आगे रहती है। आगे ये तो श्रद्धांजलि दी, आगे किस तरह से और आगे किस तरह की हेल्प उनको मुहैया कराई जाएगी? देखिए, हमारा तो यही हमेशा प्रयास रहा है, आपने देखा होगा पीछे के दिनों में मलाड़ में भी जो घटना हुई थी वहाँ पे भी हम लोगों ने मदद की थी। हम लोग का यही प्रयास है कि जब भी कोई घटना हो उसको राजनीति से दूर रखा जाए। कोई भी आदमी अपने इच्छा से कोई घटना नहीं करता है, आप जाँच का विषय है वो आप बाद में कर सकते हैं कि इसमें क्या सही है, कौन इसमें कल्प्रिट है, बट जब ऐसी घटना होती है उसको राजनीति से बिना जुड़े हुए आपको उस समय जो पीड़ित है उसके प्रति संवेदना दिखानी चाहिए, ना कि आप आरोप लगाओ कि इसका फॉल्ट था, इसको रिजाइन करना चाहिए। ये राजनीति से किसी का जीवन आती है तो मेरे ख्याल से राजनीति पार्टी को पूरा राजनीति करना चाहिए, बट अगर किसी की जीवन नहीं लौट रही है तो उस केस में जितने लोग आगे बढ़ सके, अब देखिए सरकार ने ऑलरेडी फाइनेंशियल मदद कर दी है तो यहाँ पे किसी को फाइनेंशियली मदद करने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा एक डेवलप्ड सिटी है, सबको मालूम है कोई चीज हुआ है, बट हम जो संवेदना प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है कि उन परिवार वालों के साथ अगर जैसे किसी को ऐसी जरूरत हो जिसमें सच में किसी को पढ़ाई की जरूरत है या किसी को अपने बच्ची की शादी करने की परेशानी है तो हमारे फाउंडेशन को हमारे वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम भविष्य में जितना हेल्प उनको कर सकते हैं हम लोग यहाँ से करेंगे। और यही प्रयास है कि हम लोगों में जागरूकता लाए कि ये देश हमारा है, आप इससे भागिए नहीं। कल किसी और के साथ घटना हुई है, आज हमारे साथ हो सकती है, कल किसी और के साथ हो सकती है, इसमें एक दूसरे का साथ देके कम से कम कंधे से कंधा मिला के पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहिए। वो घटना आज उड़ीसा में हुई है, ये कहीं भी हो सकती है, जो दुखद है, इसलिए इसमें आरोप प्रत्यारोप छोड़ के आप उनके परिवार के लिए प्रार्थना, उन पीड़ित के आत्मा की शांति के लिए जहां भी है वहां से प्रेयर करना चाहिए।